बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ऑल ब्यूटी फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज हमने आपको करवाना है गांव का विजिट, दिखानी है यहाँ की खूबसूरत मनाज़िर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है और बहुत ही प्यारी प्यारी जगहें आज आप हमारे साथ देखेंगे। और जी, सबसे ख़ास इसमें जो चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि मैंने आज बैल की सवारी की है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप ज़रूर देखने को मिलेगी। भाई जो हैं आज ट्यूबवेल में नहाने जा रहे हैं, देखते हैं आज कैसे नहाते हैं। वैसे इनको बहुत डर लगता है, आज बहुत दिल बांध लिया है नहाने के लिए इन्होंने। हाँ, ये उनको ट्यूबवेल की वजह से ना उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो चलते हैं इनके करीब। अभी स्टार्ट करेंगे फिर जाते हैं। डर लग रहा है। डर लग रहा है। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम जो है ये नहा रहे हैं। वैसे ये बहुत डरते हैं नहाने से, आज पता नहीं कैसे इन्होंने दिल बांध लिया है नहाने के लिए। मजा आ रहा है। यहाँ से बाइक्स वगैरह और रक्शे वगैरह गुजरते रहते हैं। और इस साइड पे ट्यूबवेल है, यहाँ पर लोगों की ज़मीनें वगैरह भी हैं। ये आप देख सकते हैं हरियाली आपको नज़र आ रही होगी, बहुत प्यारा मंदिर है बैक साइड का भी। जी नहा लिया है इन्होंने, कहते मुझे बहुत सर्दी लग रही है, अब जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहे हैं। क्या हुआ, मजा आया? पानी ठंडा था? अच्छा जी।
या आपको पता है ट्यूबवेल का पानी वैसे बहुत ठंडा होता है। यहाँ पर एक चारपाई में आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत। ये देखिए, ये आपके लिए बिछाई गई है। इधर रेस्ट करें, नहा लिया। पता चला कैमरामैन कैमरा का काम करना कितना मुश्किल है। हाँ चलें। हाँ चलें। हाँ पीछे आराम से लेट जाओ। कितनी बड़ी चारपाई है, गांव में ऐसी होती है ढेरों वगैरह पे। खजूर है, और भी पड़ी है इधर। बस दिखाएं।